अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अशफाक लंदन साहब के सामने हाजिर हूँ। आज मैं बात करूँगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये कॉल आपने सुना होगा, दुनिया में बहुत मशहूर कॉल है ये और लोग इस पर बड़ा अमल भी करते हैं। और वो कहते हैं कि दुनिया उसी की है जो ताकतवर है फाइनेंशियली या सोशली, या वो जो मुकाबला कर सकता है। और इसी फलसफे पर अमल करके आपने देखा होगा कि दुनिया में किसी भी किस्म की जो रिक्रूटमेंट होती है, जो सिलेक्शन क्राइटेरियाज हैं, वो यही हैं। लोगों को उसी बुनियाद पे सेलेक्ट किया जाता है कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपकी ग्रेड्स अच्छे हैं, आपकी मार्कशीट अच्छी है, आपके जो है वो कैरियर ब्रेक्स नहीं हैं, आप प्रेजेंटेबल हैं, आप बात अच्छी कर लेते हैं, तो आपको उस इदारे में, उस इंस्टीट्यूट में दाखिला मिल जाता है और फिर आप और पॉलिश होकर और आगे निकल जाते हैं। ऐसा ही है। कोई ऐसा इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, ट्रेनिंग प्रोग्राम दुनिया में नहीं है जो ऐसे लोगों को एंटरटेन करता हो जिनके कैरियर ब्रेक्स हों, जिनकी सप्लीज हों, जिनके एनुअल्स हों। ये मैंने उल्टा करके दिखा दिया। मैंने जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रखा वो बिल्कुल दुनिया से ऑपोजिट था। मैंने उन लोगों को सबसे पहले लिया अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में जिन लोगों के कैरियर ब्रेक्स थे, जिन लोगों की कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स थी, वो जो CV भी सही नहीं लिख सकते थे, उन लोगों को लिया जो शायद मेडिकली जो है वो एजुकेशनली डिस्टिंक्शन होल्डर नहीं थे, पोजीशन होल्डर्स नहीं थे। और मैंने उनको लेके, उनको ट्रेन करके, उनको इंटरनेशनल एग्ज़ाम पास करा के दुनिया को ये साबित करके दिखा दिया कि जो उनका जो माइट इज़ राइट वाला क्राइटेरिया है वो गलत है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला जो आइडिया है वो गलत है। अगर सिर्फ दुनिया उन लोगों की है कि जो फिट है उन्हीं को आप लेंगे, तो जो 99% लोग ऐसे हैं जो बेचारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी डेफिशिएंसी में, तो क्या उनको हम डिसरिगार्ड कर दें, उनको छोड़ दें? यकीन करें, जो फार्मूला मैंने अपनाया है वो दुनिया को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास अब वॉल्यूम ज़्यादा है। आप अभी देखें कि हेल्थ एंड एजुकेशन इंग्लैंड की जो ट्रेनिंग पोस्ट है वो 361 ट्रेनिंग पोस्ट हैं एमरजेंसी मेडिसिन की, उन्होंने निकाली है। अब उस क्राइटेरिया से जो पूरा उतरेगा, हज़ारों डॉक्टर अप्लाई करेंगे उन 360 सीटों के लिए, तो क्या वो 360 डॉक्टर जो हैं वही दुनिया में काबिल हैं? क्या दुनिया में वो डॉक्टर काबिल नहीं है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी डेफिशिएंसी, जो वर्ल्ड की डिफाइन की हुई डेफिशिएंसी है उस पर पूरा उतर रहा है, या कहीं ना कहीं वो कैरियर ब्रेक है उसका, या कहीं ना कहीं उसने ऑडिट नहीं की, रिसर्च नहीं की, तो उसको फेंक दें, उसको छोड़ दें दुनिया में? उन सारे डॉक्टर्स को हम लेंगे। आप यकीन करें कि जब मैंने इन डॉक्टर्स को पढ़ाया है, जिन डॉक्टर्स को दुनिया छोड़ बैठी थी, उन्होंने दुनिया का हिला के रख दिया। उन लोगों ने 18 महीनों में फुल मेंबरशिप ले ली। उन लोगों ने वो कुछ कर दिया जो UK का ट्रेनी, ऑस्ट्रेलिया का ट्रेनी, अमेरिका का ट्रेनी 18 महीनों में नहीं कर सकता। तो साबित हमने ये किया कि ये माइट इज़ राइट, ये कॉम्पिटिशन, ये फिल्टर्स, ये इंटरव्यूज़, ये एंट्री टेस्ट, एग्ज़िट टेस्ट, यार क्या हो गया आप लोगों को? इंसान जो भी आगे बढ़ना चाहता है, जो भी पढ़ना चाहता है, जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है, जो भी ट्रेनिंग करना चाहता है, उसके लिए आसानी पैदा करनी चाहिए। और उन लोगों को आप ज़रूर लूप में लें। आप नहीं लेंगे तो हम तो लेंगे, और हम उनको ऐसा बनाएंगे कि वो फिर आपको बताएंगे कि दुनिया में ट्रेनिंग किसको कहते हैं, टीचिंग किसको कहते हैं, कैरियर प्रोग्रेशन किसको कहते हैं। आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि हमारे जो ट्रेनीज़ हैं वो दुनिया के ट्रेनीज को ये सबक देंगे, ना सिर्फ सबक देंगे बल्कि पढ़ाएंगे भी। वो टीच कर रहे होंगे इन्हें, और टीच कौन कर रहा होगा? जो जिसका अपना 10 साल का कैरियर ब्रेक था, जिसको दुनिया ने छोड़ दी थी। हमने क्या किया, इकबाल का मुझे यहाँ पे एक बहुत प्यारा शेर याद आ रहा है कि इकबाल ने कहा था कि उठा पर्दा साकिया इस राज से, लड़ा दे ममूलों को शहबाज से। वक्त आने वाला है कि ये जो नॉन ट्रेनिंग डॉक्टर्स हैं, जिनको हम कभी ममूला समझते थे, छोटा सा परिंदा समझते थे, अब उनमें वो ताकत है, वो तवानाई है कि वो इंटरनेशनल दुनिया के कंसल्टेंट्स को पढ़ाना उन्होंने शुरू कर दिया है। अगर आपको यकीन नहीं आता, आप हमारा कभी जूम लिंक ज्वाइन करें और आप देखें उनको पढ़ाते हुए। आपको अगर प्रोफेसर उनके सामने कम नज़र आएंगे जो टीचिंग कर रहे होते हैं, जब वो पढ़ा रहे होते हैं, उस वक्त आपको अंदाज़ा होगा कि ये हमने क्या नई नस्ल पैदा कर दी। तो आई होप कि मेरा मैसेज आप दुनिया में पॉजिटिवली स्प्रेड करेंगे, कंपटीशन को ख़त्म करें, बैरियर्स को ख़त्म करें, लोगों के लिए जो है वो आसानियां पैदा करें। तो आई होप कि मेरे इस मैसेज से आप लोगों को पॉजिटिविटी मिली होगी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अशफाक।